पिछले 2 साल में मैंने पहली बार अभी जाके फाइनली थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है और थोड़ी बहुत इन द सेंस थोड़ी ज़्यादा ही कर ली है। इस मंथ में इतनी सारी सेल्स लगी हुई थी अमेजोन पे, मिंत्रा पे, बहुत सारे सब जगह सेल ही सेल चल रही थी। तो आई वॉज लाइक कि ओके, पिछले 2 साल से क्योंकि बिकॉज ऑफ पैंडेमिक खर्चे ज़्यादा नहीं कर रही थी, अर्निंग कम हो रही थी तो खर्चे भी कम करने पड़े और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में, तो इतनी ज़्यादा शॉपिंग वॉपिंग करती नहीं थी। बट इस बारी मैंने सोचा कि ओके, नाउ एवरीथिंग इज स्टेबल, सब कुछ सही चल रहा है, ट्रैवल भी कंटिन्यूस हो रहा है, तो क्यों ना थोड़ी बहुत शॉपिंग करी जाए, क्योंकि वार्डरोब जो है बड़े लिमिटेड हो गया है और लड़कियों को कपड़े वही वही रिपीट करना यू नो थोड़ा सा सीरियस इशू हो जाता है। को पैसा बर्बाद। सो यस, हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी। मेरा नाम है हिमानी एंड आई एम बैक विद न्यू वीडियो। और आज का वीडियो मेरे चैनल पे शायद ऐसा वीडियो मैंने कभी नहीं शूट किया है। मैं इस तरीके की हुई नहीं कि मैं बहुत ज्यादा एक साथ जाके स्प्लर्ज करने वाली मैं लड़की नहीं हूँ, टू बी प्रिसाइज। तो इस बार ही थोड़ा कर दिया है। चलो इसका इंस्टाग्राम पे आप लोगों से ही पूछ लेते कि क्या मैं इसका हॉल वीडियो, या हॉल वीडियो भी नहीं, हॉल क्योंकि मुझे करना नहीं आता है, कि आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करती हूँ। थोड़ा बहुत सामान ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, और भी नीचे भी पड़ा हुआ है, तो मैं क्या आप लोगों के साथ शो करूं, आप लोगों को दिखाऊं, आप लोग देखना पसंद करोगे। तो मोस्टली 89% लोगों का आया यस प्लीज डू इट। तो मैंने सोचा ओके लेट्स डू इट। तो आज हम बस यही आपको दिखाने वाले हैं कि क्या क्या सेल में क्या क्या चीजें ली है, कुछ थोड़ा बहुत गियर वेयर भी लिया है। यप, अभी जो है शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। आपको दिखा देते हैं मेरी फेवरेट चीज जो कि मैंने परचेज की। मैं बहुत टाइम से, मेरे पास एक रक्सैक है, दूसरा मैं लेने का सोच रही थी डे पैक टाइप का, जो कि मैं लेकर दिन में अगर मैं कहीं ट्रैक कर रही हूँ या मैं फॉर अ डे या 2 दिन के ट्रिप के लिए जा रही हूँ, क्योंकि वो 45 लीटर्स का है, तो मैं से कोई छोटा लेना चाहती थी और मुझे मिंत्रा की सेल पे ये सिर्फ 890 या 880 इतना कुछ का पड़ गया। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो कुछ 2000 समथिंग कुछ है और मुझे ये 800 समथिंग का कुछ का पड़ा है। तो स्टील डील, ये वाइल्ड क्राफ्ट का है, तो इट्स अ ब्रांडेड और इसके अंदर काफ़ी स्पेस है, इस तरीके से आप इसके अंदर बहुत सारा सामान भर सकते हो, मस्त देख सकते हो पीछे से। इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी इन केस यू वांट टू बाय, बट अभी ये ऑफर पे नहीं है, तो देख लेना जब ऑफर पे आएगा नेक्स्ट टाइम। बहुत ही सही मुझे डील मिल गई। तो यप, इसका इग्नोर करना, मैस थोड़ा ज़्यादा ही मैस है यहाँ पे, क्योंकि सब सामान जो भी आता था मैं यहाँ पर पटक देती थी। और ये जो नीचे कार्टन दिख रहा है आपको, ये इतना बड़ा, इसमें जो है मेरे पीआर जो भी पैकेज आते हैं, वैसे बड़े कम आते हैं पर जो भी आते हैं वो मैंने सारे इसमें भर के रखे हुए हैं। तो हाँ, तो उसको इग्नोर करो, बाकी यहाँ बैठा है ताकि थोड़ा आपको फील आ जाए कि यप वी आर डूइंग अनबॉक्सिंग। ये जो बैग है यूनिक्लो का है, यूनिक्लो मुझे ब्रांड पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। सो एक्चुअली इसमें ना सब कुछ मिक्स है, लाइक जो मैंने ऑनलाइन लिया ऑनलाइन बता दूंगी, जो ऑफलाइन लिया ऑफलाइन भी बता दूंगी आपको। तो यप, ये जो है ये ऑफलाइन ही, हम अभी रिसेंटली संडे को मॉल गए थे मैं और दारिका, तो यूनिक्लो जो कि मेरा फेवरेट ब्रांड है वन ऑफ, बट काफ़ी महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। मैं बहुत ही कम चीज़ें यूनिक्लो की खरीदती हूँ, तो इस बार ही मैंने सोचा हाँ थोड़ा स्प्लर्ज कर रहे हैं और कुछ अच्छा क्वालिटी वाले कपड़े कुछ मुझे चाहिए थे, क्योंकि ट्रैवल में ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, रफ टफ भी आप चलते हो बहुत ज़्यादा। तो मैंने बॉटम लिए हैं 2 यहाँ से, पहला जो है वो ये है, ये जॉगर्स है जो कि मैंने खरीदा है कुछ 2000 रुपये का, 2000 भी नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा आई थिंक, एक सेकेंड, हाँ 2000 का एक्चुअली ये था 3999, बट वहाँ पे सेल चल रहा था तो ये मुझे मिला 1990, मतलब 2000 रुपये का। और इसकी जो क्वालिटी है, यूनिक्लो के जो कपड़े होते हैं ना, ओ माई गॉड, आप इन्हें पहनते हो तो आपको फील नहीं होता है कि यू आर वेयरिंग समथिंग, मतलब ऑब्वियसली आपने पहना हुआ होता है बट आपको फील नहीं होता है। तो ये इतना प्यारा मटेरियल है ना कि मैं इसे ट्रैवल में 24 घंटे भी पहन के रखूंगी ना तो भी मुझे फील नहीं होगा कि मैंने कुछ पहना हुआ है। तो पहला तो ये जॉगर है, बहुत ही सही, और मैंने एल साइज में लिया है इसको क्योंकि मुझे थोड़ा सा लूज जॉगर चाहिए था, एकदम ऐसे ढीला ढाला सा, कंफर्टेबल होना चाहिए, कंफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए आज कपड़ों के मामलों में। ओके, दूसरी चीज है ये टाइट्स, जो कि सिंपल ब्लैक टाइट्स है, और ये भी आई थिंक 1200 कुछ, रेड टैग भी मैंने निकाल दिया है तो पता नहीं चल रहा है, बट यस ये ब्लैक टाइट्स है, प्लेन ब्लैक टाइट्स जो कि
जॉगिंग वगैरह में भी काम आ जाती है, और हाई वेस्टेड है तो इसके ऊपर टॉप डाल लो, टी शर्ट डाल लो जस्ट, तो उसके लिए एक ये और एक जॉगर। यूनिक्लो से मैं इतना ही अफोर्ड कर पाई, इससे ज्यादा मतलब आई कैन अफोर्ड, बट यार फालतू में बहुत ही महंगा है, मतलब क्वालिटी देते हैं पर बहुत महंगा है। तो यस, दिस इज फ्रॉम यूनिक्लो। नेक्स्ट थिंग आई गॉट, इसमें मिक्स है, मिंत्रा से भी मैंने कुछ ऑर्डर किया था तो वो भी है, और साथ में H&M भी गए थे हम तो H&M से भी कुछ कुछ चीज़ें खरीदी है। तो सबसे पहले अपन निकालता है मिंत्रा वाला, क्योंकि ये जो पार्सल कर लिया है मैंने इसको इतना ही खोला था, उसके बाद मैं काम में लग गई तो मैं भूल गई थी। तो इसके अंदर दो पैकेट है, और भी H&M से मिंत्रा से और भी कुछ कुछ चीज़ें मेरी डिलीवर होने वाली है बट वो हुई नहीं है अभी तक। तो पहला जो है वो ये टी शर्ट है, एकदम मस्त हॉट पिंक कलर का, ऐसे ब्राइट ब्राइट कलर यू नो क्यों जरूरी होते हैं, पिक्चर फ्रेंडली। ये टी शर्ट ये है अपना 799 का है, पर इस ये ऑफर में था, अभी ऑफ चल रहा है मिंत्रा में, तो ये 299 समथिंग का मुझे पड़ा है, 279 का पड़ा है, विच इज ग्रेट। नहीं ये एम साइज है, एल नहीं है, बट एम साइज भी काफी बड़ा है लाइक या। तो ये है टी शर्ट, दूसरा टी शर्ट वन ऑफ माई फेवरेट कलर, ऑरेंज कलर का। ये प्लेन टी शर्ट है बट सही लग रहा है, मतलब पिक्चर विक्चर में जो है ऐसे ब्राइट कलर बहुत ही मस्त लगते हैं, तो ये भी मैंने इसलिए लिया। और ये भी लूज है, लूज कपड़ों के साथ क्या होता है ना, बहुत सही होता है कि आपको इसके ऊपर लेयरिंग करनी होती है, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत सही होता है, और मस्त डाल लो इसके ऊपर कुछ एक्सेसरीज डाल लो तो इट लुक्स नाइस क्लैशी क्लैशी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, नाइस क्लासी एंड शीक सा लगता है, तो इसलिए ये एक टी शर्ट हो गया अपना। दिस इज फ्रॉम अर्बैनिक। ओके, अब ऑनलाइन दिखा रही हूँ तो सारा ऑनलाइन पहले दिखा देती हूँ। तो जैसे शेन जब से गया है तब से मैंने किसी और वेबसाइट से ऐसे कुछ परचेज नहीं किया था एक्सेप्ट मिंत्रा, बट अर्बैनिक मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। उनका मुझे सबसे अच्छा चीज़ ये लगा कि ऐसे सारे अलग अलग, जैसे पाउच में शेन भी देता था वैसे ही अर्बैनिक के भी कपड़े आते हैं ऐसे अलग अलग पाउचेज में, विच इज़ ग्रेट। पॉलीथिन के अगेंस्ट हूँ बट स्टिल ये काम बहुत आएगा, मैं इसको फेंकने नहीं वाली हूँ, मैं इसे बहुत यूज़ करूँगी ट्रैवल में, जब जाते इसमें सॉक्स डाल दो, एक में अपने लॉन्जरीज डाल दो, तो ये बड़े यूजफुल होते हैं, इसे फेंकना नहीं कभी भी अगर आप भी कभी ऑर्डर करते हो। तो फर्स्ट थिंग इज दिस क्रॉप टॉप, बहुत ही प्यारा सटल पेस्टल शेड है और मुझे ऐसे बहुत ही सही लगते हैं लेयरिंग के लिए। अगेन मैं जैसे बात कर रही थी आजकल मैं बहुत ही माइंडफुल हो गई उस चीज को लेके कि एक कपड़ा लो उसे 10 तरीके से पहनो, पता भी नहीं चलता लोगों को कि आपने वही रिपीट किया हो। यस, ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई, बट ये है पहला। और दूसरा जो है ये मैंने पहना हुआ है अभी रिसेंटली, मेरी फ्रेंड के बर्थडे पे मैं गई थी तो मैंने इसे शॉर्ट्स के ऊपर डाला हुआ था। दिस इज टी शर्ट अगेन, इट्स इन ग्रे कलर और ये मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा तो ये भी मैंने ले लिया। ये तीनों टॉप मुझे पड़े थे अराउंड 1200, एक ये एक ये एक वाइट कलर का भी टॉप है विच आई एम गोइंग टू शो यू, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, तीसरा जो है वो ये टॉप है। ये तीन टॉप मुझे 1200 के पड़े थे और उसके साथ 1200 में ये तीन टॉप और साथ में मुझे आया था, ये आपको दिख नहीं रहा है बट इसमें ये हवाई प्रिंट है विच इज नाइस, ये भी क्रॉप टॉप है, ये तीनों क्रॉप टॉप है। इसके साथ मैंने दो नेक पीसेस भी ऑर्डर किए थे वो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो ये नेक पीस है लेयरिंग वाला है, यू कैन सी इसमें स्टार्स और मून बने हुए हैं। आई डोंट नो क्वालिटी कैसी होगी क्योंकि ये कुछ 190 और 140 के बीच का है, 150 अराउंड का क्वालिटी। शायद एक बार पहनने पे ये ब्लैक भी हो जाए, आई डोंट नो, बट पहन के पता चलेगा। वो चीज़ें हो गई अब अर्बैनिक की। अब बात करते H&M की। तो H&M से मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया, तारिका ने लिया क्योंकि उसकी बर्थडे की शॉपिंग वॉपिंग के लिए हम चले गए थे और फिर मुझे ये पसंद आ गया ये क्रॉप टॉप, तो मैंने ये लिया टाई डाई क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ था भी नहीं और मुझे अच्छा लग गया एक बार में। दो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी महंगा है, 799 का है तो मुझे तो ये महंगा लगा, मैं इतने महंगे टॉप जल्दी खरीदती नहीं हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक टॉप के पीछे इतना क्यों डालना, बट ये बहुत ज़्यादा मैं इसे यूज़ करूँगी आई नो दैट, क्योंकि मैं इसे जिम में भी पहन सकती हूँ, मतलब एक्सरसाइज जब भी मैं करती हूँ उस टाइम में इसे पहन सकती हूँ। यहाँ से थोड़ा ऐसे जो स्लीव बहुत ब्रॉड स्लीव्स होती है वो वाला है ये, इसके अंदर आप अच्छे से स्पोर्ट्स ब्रा पहन लो तो इट लुक्स कूल, तो मैंने उस पर्पज से इसको लिया है। अभी नया नया है, थोड़े दिन ट्रैवल में पहन के एंड देन आई विल वेयर इट ऑन माय एक्सरसाइज रूटीन। एंड सेकंड थिंग, ये मेरी नहीं है बट ये तारिका की, बट इसमें पड़ी हुई तो दिखा देती हूँ, ये योगा टाइट्स शॉर्ट्स आप जो भी बोल लो ये वो है, ये भी अराउंड कुछ
ये 699 का है, 700 का, ये इस तरीके के शॉर्ट्स हैं, इसमें ब्लैक कलर देख रही थी वो बट नहीं मिला साइज, तो ये कलर लिया उसने, पेस्टल शेड है, अच्छा लग रहा है काफी, फिट भी बहुत सही आया उसको, तो ये हो गया। और बाकी उसने कुछ दो तीन टॉप वॉप लिए हैं, सो दैट्स हर पार्ट, वो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि वो उसका है ना, मतलब क्यों मेरी चीजें मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, उसका दिखाऊंगी फिर। चीटिंग करता है तू। ओके तो ये तो हो गई हमारी सारी कपड़ों वपड़ों की बातें अभी, और तो कपड़ों के मामले में और तो कुछ नहीं है, बट यस द बिगेस्ट परचेज आव मेड इन सारी शॉपिंग में, स्टार ऑफ द शो इज दिस, ओके। तो काफ़ी टाइम से मैं वॉइस क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मुझे एक माइक लेना चाहिए, मुझे रोड का माइक लेना चाहिए, बट मैं ये अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, लाइक ये लेना, मतलब मेरा चैनल एक तो पहली बार जिस तरीके से ग्रो करना चाहिए उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, और मैं इतना पैसा कैसे डाल दूँ, तो मैंने वो नहीं किया। बट फिर पर कहते हैं ना, किसी चीज़ को एकदम ऐसे शिद्दत से चाहते रहो आप, उसके पीछे मेहनत करते रहो, तो कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल जाती है, और बस कुछ ऐसा ही हुआ। तो दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव परचेस ऑफ द मंथ, जिसको मैं आपको बताना चाहूंगी, यह रोड का माइक जो कि अभी कैमरा में लगा हुआ है तो आपको पता नहीं चलेगा, बट दिस माइक लुक्स लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ये यही माइक है, और ये माइक अभी मेरे कैमरा पे लगा हुआ है, और मैं इससे रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो। एंड थैंक यू सो मच गाइज हु सपोर्टेड मी, आप लोग जो भी स्टार्टिंग से मेरे चैनल को देख रहे हो, हमेशा कॉमेंट करते हो, हमेशा लाइक करते हो कॉन्टेंट, इट मीन्स अ लॉट टू मी। और ये मुझे पीआर से आया हुआ है, लाइक देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड विलासा, इन्होंने ये तीन प्रोडक्ट जो है मुझे भेजे हैं, अभी मैंने इसमें से कुछ भी ट्राई नहीं किया है क्योंकि नाइट रिचुअल प्रोडक्ट्स हैं, लाइक इसमें है बॉडी बटर, और इसमें है रोल ऑन रेमेडी जो कि आप अपने रिस्ट पे और अपने बैक पे ऐसे रोल कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा फ्रेग्रेंस आती है और रिलैक्स करने वाली चीज़ है, मतलब आप जब रात को अपने बेड पे लाई डाउन होके सोने के पहले यूज़ करने वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो एक तो ये है, और ये क्लेंजर है जिससे आप अपना फेस क्लीन करके देन बॉडी बटर ये लगा के एंड देन रोल ऑन रेमेडी, तो ये तीन प्रोडक्ट है विलासा के, ये मैं ट्राई नहीं, मैंने अभी कुछ किया नहीं है, बट करूंगी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी कि कैसे है ये प्रोडक्ट। पॉन्स विटामिन सी सीरम एक ये है, ये इस तरीके से बॉक्स में आया है, ये भी पीआर का है। एंड देन दिस थिंग जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया है, गोल्डन ग्लो बॉक्स जो कि ऐसा है, और इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट है, लाइक चार पांच प्रोडक्ट है, फेस वॉश है, फेस मास्क है, नाइट क्रीम है, डे क्रीम है, तो इस तरीके से पांच प्रोडक्ट है इसके अंदर। लास्टली घर के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, तो उसमें सबसे मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऑर्डर की, सब नहीं दिखाने वाली, एक दो चीज़ें दिखा देती हूँ। तो एक तो ये है पिजन का, जस्ट दिस क्या बोलते हैं, कैटल बोलते हैं, हाँ कैटल, जो कि ऑफर में अमेजोन में सस्ते में था, तो ये कुछ 600 कुछ का पड़ा है, तो ये लिया है, पिजन का है, ये अच्छे ब्रांड का है, एक ये लिया। और दूसरी चीज़ माई फेवरेट कॉफ़ी, तो दिस ब्रांड विच आई एम गोइंग टू ट्राई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये कंट्री बीन की कॉफ़ी है और हेजलनट फ्लेवर में इंस्टेंट कॉफ़ी है, और मैंने इसे दो तीन बार अभी तक पिया है, लाइक इसकी कॉफ़ी, एंड आई लव्ड इट सो मच। तो आप भी अगर कॉफ़ी लवर हो ट्राई करना कभी कंट्री बीन, इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड एंड ऑल दैट, बट आई रियली लाइक्ड इट। तो ये हो गया सारी चीज़ें, ये हो गया एक मिनी हॉल, बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं थी, बट येस जो भी मैंने ऑर्डर किया था मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। अभी होपफुल आप लोगों को इस तरीके का वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे ये सब शूट करने आता नहीं है क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है इस टाइप का वीडियो शूट, तो होप मजा आया होगा आप लोगों को देख के। और तो आई कांट प्रॉमिस कि मैं इस तरीके का वीडियो कंटेंट डालते रहूंगी मेरे चैनल पे, क्योंकि ये मेरा फोर्टे नहीं है, मैं ट्रैवल वीडियोस ही करूंगी क्योंकि वही मेरा फोर्टे एंड विच आई लव द मोस्ट। और नवंबर में बहुत सारी चीजें प्लान्ड है नवंबर दिसंबर के लिए, तो होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड आपको नई नई स्टेट्स का कॉन्टेंट देखने को मिलेगा, एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। अभी आपको जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ, टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशनुमा जिंदगी बिताते रहिए, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड विल सी यू विद अनदर वीडियो, टिल देन टाटा बाय बाय, नमस्ते।